Halleluja. 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 Sau lockte jetzt hier wolle. Halleluja. 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 कितने लोग आज खुश है? सब लोग खुश है? पड़ोसी को बता दो मैं बहुत खुश हूं. हालेलुया. पड़ोसी को हिला के समझा दो मैं बहुत खुश हूं आज. हालेलुया. बोलो मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत आनंदित हूं. हालेलुया. क्या कारण है? बोलो यीशु मेरे जीवन में आ गया. हालेलुया. हम कुछ बातों को पिछले सेशन में ही परमेश्वर ने मदद किया बोलने के लिए या अवसर दिया. पिछले दिनों में हालेलुया, पिछले दिनों हम लोग बिहार गए थे. किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम. किसी किसी को मालूम. कितने लोग बिहार के हैं यहाँ पर? अरे बहुत सारे लोग. तो थोड़े से लोग हैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आए. हालेलुया. आपके लिए खुशखबरी ये है, बिहार बदल चुका है. हालेलुया. पड़ोसी को बोलो बिहार बदल गया. आपको पता है हमने वहां पर एक न्यूज सुना, जाते ही एक न्यूज मिला है, लेटेस्ट न्यूज है. हमारे पहुंचने से एक दिन पहले वो वहां पर बोला गया है बिहार के अंदर सारे दारू के ठेके बंद हो चुके हैं. हालेलुया. और वहां पर आज दारू पीने के लोगों के अंदर एक भय छा गया है. लोग डर रहे हैं दारू पीने में, क्योंकि इतनी सख्ताई वहां पर कर दिया. कोई दारू जो वहां पर, यहाँ पे सासी होते हैं ना दारू बेचने वाले, वहां पर पासी होते, पासी बोलते, और वो छुप छुप के दारू बेचते. तो उन अंदर भी इतना भय छाया हुआ है, कोई कोई जगह पे कोई बेच रहा है नहीं, तो बिल्कुल एकदम बंद हो गया. हालेलुया. आप सोच सकते हैं अभी तक हमने बिहार के बारे में उल्टे सीधी बातें सुना था ना, बिहार बेकार है, बिहार अच्छा नहीं है, बिहार के लोग ऐसे हैं, टेढ़े हैं, गंदे हैं, बुरे हैं, ऐसे अभी तक लोग बोलते थे. लेकिन हमने जाकर देखा बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं. बिहार के लोग इतने अच्छे हैं कि हमने सचमुच में अनुभव किया. दिल्ली में मैंने अभी तक इतने अच्छे लोग नहीं देखे. हमारे खुद के अपने लोग, हमें जानने वालों ने आज तक इतना आदर और सम्मान हमें नहीं दिया जितना बिहार के लोगों ने दिया. और इतनी बड़ी बात हमारे लिए थी, हमने कभी उन लोगों को देखा नहीं, कभी जाना नहीं, शकल भी नहीं देखा उनकी कभी भी. लेकिन फिर भी उन सब लोगों ने हमें ढूंढते हुए, बाइक से आए, कहाँ पे आए, दिल्ली के लोग, और ढूंढने के लिए आए, हमें रिसीव किया और हमें एक होटल में रखा. हमारे साथ तीनों टाइम का खाना पीना सब कुछ रखा. और इतना ही नहीं, अलग अलग जगहों पर मीटिंग भी उन्होंने रखा हुआ था, लोगों को इकट्ठा किया हुआ था, लोगों को काफी समय से प्लानिंग किया हुआ था. हमने सिर्फ इतना किया, वहां पर जाके सब कुछ पका पकाया था, वह यीशु के बारे में बताकर हम आ गए. हालेलुया. और बहुत हमारे लिए आशीषित समय रहा. और एक मीटिंग वहां पर थी, वहां पर चार पांच जगह पे मीटिंग था बिहार के अंदर, और कहीं पे 50 लोग थे, कहीं 40 लोग थे, कहीं 10 लोग थे. और एक जगह सबसे बड़ी मीटिंग थी, वहां कम से कम 600 से भी अधिक ज्यादा लोग थे. और हमने आशा भी नहीं किया था ऐसा भी होगा कभी मेरी जिंदगी में. अभी तक जो मैं परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूं, पहला ऐसा अनुभव था कि परमेश्वर ने अकेले खड़ा कर दिया. अभी तक कहीं गए थे पास्टर जी के साथ गए थे, इस बार पास्टर जी ने अकेले हमें भेज दिया. और हमारे लिए अंदर एक बहुत डर भी था. जब हम यहाँ से जा रहे थे, लोग बोल रहे थे बिहार के लोग तुम्हारी सीट से तुम्हें उठा देंगे, बिहार में ट्रेन घुसते ही तुम्हारी सीट पे कब्जा कर लेंगे. और नए लोगों को देखकर लैंग्वेज के द्वारा वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, पैसे छीन लेते हैं, ये सब बातें बोला. लेकिन हमने तो वहां पर कुछ ऐसा देखा ही नहीं. जब हम बिहार में घुस गए, बिल्कुल बलिया जिला वहां पर बिहार का बॉर्डर, वहां घुस गए, तो ट्रेन काफी समय तक रुका रहा. वहां पर हमको एक मौका मिल गया, हमने पूरी ट्रेन में और स्टेशन पर सब जगह यीशु का सुसमाचार सुना दिया. और इतना ही, सब लोगों ने यीशु की सच्चाई को सुना भी और सब ने बाइबल भी ले लिया. और अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया. हम बिहार के अंदर पहुंचे, अद्भुत कार्य परमेश्वर ने वहां पर भी किया. वहां पर जो मीटिंग था, उस मीटिंग में सबसे खासियत बात यह था कि मैं पहली बार अकेला इतने सारे लोगों के बीच में सुसमाचार सुना रहा था. और मेरे अंदर एक डर भी था, लेकिन परमेश्वर ने बल दिया और सामर्थ्य दिया. सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये थी कि गांव के लोग होते तो सिर्फ चल जाता, वहाँ गांव के सारे सरपंच और मुखिया और प्रधान जी और ये सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे, और सारे सबसे आगे वाली रो में बैठे थे जैसे ये लोग बैठे, और बैठे थे फुल गुंडे कर दिए जैसे, टीका लगा के और गले में वो डाल के, और सही उनके जो उनके नौकर चाकर होते, चेले चपाटे होते, उनको सब वहाँ पर बड़ी तैयारी से खड़े थे. और मेरे अंदर एक भय था कैसे मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, डर आ रहा था.
लेकिन परमेश्वर ने सहायता किया, वहां करीब 1.25 घंटे से ज्यादा मैंने यीशु के बारे में प्रचार किया, परमेश्वर ने सामर्थ दिया, खुलकर मैंने प्रचार किया। उन्होंने पूरे गांव के अंदर ना स्पीकर लगवा दिए थे, गांव में आपने देखा होगा एक स्पीकर होते हैं ना बड़े ऐसे बोल बोल से, उन्होंने पूरे गांव में लगवा दिए थे। और जब मैं यहां से बोल रहा था यीशु के नाम से, तो पूरे गांवों में आसपास के गांवों में यीशु की आवाज गूंज रही थी। अद्भुत कार्य परमेश्वर ने किया, हमने वहां खुलकर यीशु का प्रचार किया, खुलकर सच्चाई को बताया। सबसे मजे की बात थी, उसी दिन जब वहां पर मीटिंग था, वहां छठ पूजा थी और वहाँ सब लोग छठ की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ वहाँ पर उतरा। उस दिन हम फास्टिंग प्रेयर में थे, हमने खुलकर प्रचार करना शुरू किया, चिल्ला चिल्ला के प्रचार करना शुरू किया, लोग सारे के सारे वहाँ पर आकर इकट्ठा हो गए और 500 से 600 से अधिक ज़्यादा लोग थे। अद्भुत कार्य पवित्र आत्मा ने वहाँ पर किया, मैं अनुभव कर रहा था, सामर्थ परमेश्वर का भरा था। प्रचार के बाद मैंने ऐसे बोला, आज परमेश्वर जितने भी बीमार हैं सब लोग ठीक होने के लिए जा रहे, जितने भी बीमार हैं बीमारी पर हाथ रख लो। सब लोगों ने अपने लिए हाथ रख लिया, अलग जगह प्रार्थना किया, अद्भुत चमत्कार। हमने पूछा कितनों को चंगा किया, परमेश्वर ने हाथ खड़ा करे, इतने सारे लोगों के हाथ खड़ा हो गए। हमने 2-4 लोगों को बुलाया आगे आकर, उन्होंने गवाहियां दिया। एक तो वहां का प्रधान का मुखिया का छोटा भाई था, उसके दोनों किडनियों के अंदर पत्थर थे और हमने बोला था प्रार्थना के समय में आज परमेश्वर किसी की पथरी को पेट से ठीक करने के लिए जा रहा है। तो उसने बोला मैंने हाथ रख रखा था, प्रार्थना के समय में मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पत्थर तेज तेज कूद रहा है और अचानक से वो मेरा दर्द गायब हो गया और अद्भुत चमत्कार वहां पर हुआ और बहुत सारे अद्भुत कार्य हुए। एक पैरालाइज से व्यक्ति वहां पर आया था, पैरालाइज था, उसके हाथ पैर मुड़े हाथ मुड़े हुए थे ऐसे करके, जवान भी टेढ़ी मेढ़ी थी। आगे लेकर आए, उसके लिए हमने प्रार्थना की यीशु के नाम से चंगे हो जाए। उसी समय उसके हाथ सीधे हो गए और वो चीख चीख के बोलने लगा मैं ठीक हो गया, हाथ चलने लग गया। और परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों को अद्भुत कार्यों को हमने वहां पर देखा। एक लेडीज के बच्चे थे दो, उसके बच्चों को दूध नहीं पिला पा रहे थे, उसको दूध नहीं आता था, लेकिन परमेश्वर एक दिन पहले उसके लिए प्रार्थना हुआ था वहां, परमेश्वर ने चमत्कार किया। उस दिन हम वहां पहुंचे मीटिंग में, उस लेडीज ने आकर गवाही दी, जब से प्रार्थना हुआ उसको परमेश्वर ने चंगा कर दिया, उसको अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए दूध आने लग गया। हालेलुया, ऐसे अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने बिहार में किए। हम अनुभव कर रहे थे, हम रिवाइवल के अंदर चल रहे थे, जहां भी हम जा रहे थे लोग हमें छोड़ रहे नहीं थे। सुबह से लेके शाम हो जाती थी, सुबह बेड भी लोग हमें उठाने के लिए आते थे, भैया आप दिल्ली से आए हैं क्या, हमें आजकल बहुत चर्चा सुन रहे सारी मार्केट में, या दिल्ली से कोई यीशु के बारे में बताने आए। हमने बोला हाँ यीशु के बारे में बताने आए, उनको यीशु के बारे में बेड पे ही, आंख भी नहीं खुला बेड पे ही बताना शुरू किया। अद्भुत कार्य परमेश्वर कर रहे थे। वो एक निरंकारी का एक बहुत बड़ा एक सेवक था, यहाँ पर दिल्ली में भी बुराड़ी में वो आता था। उसने बोला मैं 22 साल से निरंकारी की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने इतनी अच्छाई से सच्चाई को नहीं जाना था, लेकिन मेरे को बाइबल दो। मैंने बाइबल दे दिया, पूरी रात वो बाइबल को पढ़ा, सुबह ही उठकर आ गया, फिर से आकर मुझे उठाकर बोला कि भैया मैंने एक बात तो आज जान लिया इस बाइबल को पढ़ने के बाद, अरे निरंकारी बाबा कुछ भी नहीं है, यीशु के सामने तो हालेलुया। उसने यीशु ही सच्चाई है, जिस सच्चाई को मैं 22 साल से ढूंढ रहा था आज मुझे मिल गया। मैं निरंकार की इतनी सेवा किया, लेकिन मेरी आज तक दारू नहीं छूटा, 20 करोड़ रुपए की जमा जमीन बिक गया। हालेलुया, उसने मेरे को बोला एक छोटी सी एक जमीन है, हम उसको निरंकारी बाबा को देने जा रहे थे, सही टाइम पर आप आ गए, हम चर्च के लिए देने जा रहे हैं। हालेलुया, हमने अनुभव किया रिवाइवल इस समय शुरू हो चुका है। बोलो रिवाइवल शुरू हो गया। पड़ोसी को बोलो रिवाइवल आएगा नहीं है, आएगा नहीं, बोलो शुरू हो चुका है, बोलो हम रिवाइवल में है। हालेलुया, पड़ोसी बोलो आत्मिक आंखें खोल दो, बेदारी शुरू हो चुका है। हालेलुया, अब आप एक विश्वास से इस बात को ले लेना, आज के बाद आप कहीं भी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, दिल्ली में दिल्ली के बाहर विश्वास से जाना है, आज आपके द्वारा कुछ होने जा रहा है। हालेलुया, और आज आपके द्वारा परमेश्वर वो करेगा जो आप तक अभी तक आपने जिंदगी में अपने जीवन में देखा नहीं है, सोचा नहीं है। हर दिन परमेश्वर बड़े बड़े काम करने जा रहे। हालेलुया, पिछले दिनों में मैंने एक बात बोला था, यहाँ पर फास्टिंग प्रेयर चल रहा था, मैंने बताया था मैं काउंटिंग कर रहा था, प्रभु मैं एक दिन में 10 लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा और महीने में हो जाएंगे इतने लोग और साल में हो जाएंगे इतने लोग। तुरंत पवित्र आत्मा ने मेरे बोला बेटा वो समय गया 10 लोगों को सुसमाचार सुनाने का, अब एक सभा में 100 ही हो, हजारों लोग सुसमाचार सुनेंगे। परमेश्वर ने जो बोला करके दिखा दिया। 2 दिन बाद ही हम बिहार में पहुंचे, कहीं 100 लोग कहीं 600 लोग अद्भुत रीति से सुसमाचार का प्रचार किया। हालेलुया,
आपको पता है बिहार में जिस गांव में गए थे लाइट नहीं था, लेकिन उन लोगों ने हमारे लिए जनरेटर मंगवा कर और सारी लाइटें और माइक तक भी मंगवा के रखा हुआ था। हालेलुया, जान नहीं पहचान नहीं, परमेश्वर ने मार्ग तैयार करके रखा। रात को 11:30 बजे मीटिंग खत्म हुआ बिहार के अंदर, और इतना हमारे जहां मीटिंग था वहां से 2.5 घंटे करीब रास्ता था। हम बोल रहे हम जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। वहां के लोग बोल रहे अरे भैया बोलिए तो सही, हम कमांडो लगवा देंगे। मैंने उसको समझाया, वहां के मुखिया जी थे, आपकी कमांडो की जरूरत नहीं है, हमारे संग व्हाइट कमांडो हमेशा चलते हैं। उसको समझ में आई बात, उसने बोला सॉरी भैया गलती हो गया। और जब क्यों मेरे से इतने लंबे लंबे डबल डबल हाइट के थे, हट्टे गट्टे, लेकिन परमेश्वर ने मदद किया अद्भुत रीति से यीशु की सच्चाई उनको बताने के लिए। खुलकर वहां हमने बताया छठ पूजा के बारे में, पानी में क्यों खड़े रहते हो, पागल हो जाओगे, सब कुछ बेकार है, यीशु ही सच्चाई है। खुलकर मैंने छठ पूजा का भी प्रचार कर दिया और उन लोगों ने सच्चाई को जाना और बोला। एक लेडीज आई वहां पर, 40 साल से शिव की वो सिद्धि करा हुआ, उसने सूख कर एकदम लकड़ी सी हो रखी थी, पतली दुबली सी आंटी थी। वहां के प्रधान जी ने मिलाए, देखिए इनसे मिलिए, यहाँ 40 साल से शिव जी की सिद्धि लिए बैठी है, 200 से भी ज्यादा लोग इसके अंदर में रहते। हमने पूछा अम्मा घर में सब ठीक ठाक है? अम्मा बोली बेटा क्या ठीक है, बीमारियों से मैं दवाइयों से जी रही हूँ। मैंने बोला क्या हो गया, आपकी भक्ति कहाँ गई? कह रही भक्ति भक्ति कर करके तो ये हालत हो गई, उपवास में रहती हूँ। मैंने बोला उपवास उपवास छोड़ो, यीशु की सच्चाई को जानो, यीशु ही सच्चाई है। आज आपके पास ये सच्चाई पहुंच गया, मौका मत छोड़ो। उस आंटी ने बोला सच्चाई में तो मुझे लग रहा है हम सच में अंधकार में, दिल्ली से लेकर आए हो तुम ज्योति हमारे लिए, आज हमें सच्चाई बताओ। मीटिंग में सबसे पहले सबसे आगे आकर वो आंटी बैठ गई। उसके बाद आके बोला हमारे लिए मेरे लिए प्रार्थना करो। बोला क्या क्या करना पड़ेगा यीशु को ग्रहण करने के लिए? मैंने इतना ही करना है जो करते थे वो सब छोड़ दो, आज से यीशु के साथ चलना शुरू करो। कह रही छोड़ दिया। हालेलुया, मेरे को बोला उसने मैंने आज के बाद सब छोड़ दिया, मेरा बुढ़ापा आ गया लेकिन आज तक बीमारियों में, घर में कलेश है, इतना दुख सह रहे, लेकिन यहां मैंने शांति को अनुभव किया। हालेलुया हालेलुया, बोलो यीशु ही सच्चाई है। पड़ोसी को बोलो यीशु ही सच्चाई है। अभी आपको बताने के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना, खुल कर जाके बोल दो यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। इतना बोलते ही लोग बोलेंगे हमें भी चाहिए। हालेलुया, लोग दिमाग नहीं चलाएंगे क्योंकि दिमाग खराब हो गया लोगों का, अब लोगों को यीशु चाहिए ही चाहिए। हालेलुया, अभी समय आ गया, लोगों के पास टेंशन इतना हो चुका है, उन सबको यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया, बोलो हम लेके जाएंगे। आपको पता है एक बार पतरस जा रहा था मंदिर के आगे से, पतरस के सामने एक भिखारी मिल गया, भिखारी लंगड़ा था, भीख मांग रहा था। पतरस ने देखकर बोला, मैंने ऐसा विचार किया, पतरस ने ऐसे करके बोला भाई देख, उसने बोला मुझे कुछ भीख मांगने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने तक तक ही लगाकर देखा और बोला बेटा देख तू इतने दिन से यह भीख मांग रहा है, एक समय था मेरे पास, मैं भी यीशु मसीह को ढंग से नहीं जानता था, मैं नाव के अंदर मछलियां पकड़ने के लिए घूमता था, मैं बहुत बड़ा मछुआरा था, बहुत बड़ा उस्ताद था, बड़े बड़े जाल भी थे मेरे पास, नाव भी थी, समुन्द्र में था मैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी एक मछली नहीं पाया। लेकिन जिस दिन यीशु मेरी नाव में आया उसी दिन इतनी मछली आ गया, इतनी मछली आ गया संभाला भी नहीं गया। उसने बताया उसको मेरे पास नाव थी जाल थी लेकिन मछलियां नहीं थी, कारण एक था यीशु जीवन में नहीं था। इस लंगड़े को बोला तेरे टांग है, पैंटे है, सब कुछ है लेकिन चल नहीं सकता, आज एक ही चीज है मेरे पास, यीशु के नाम से खड़ा हो और चल फिर। इतना बोलती वो उठ के चलने फिरना शुरू हो गया। मैं आपसे बोलना चाहता हूं आपके जीवन में यीशु मसीह है ना, आप किसी के भी पास जाकर दे दो। हालेलुया हालेलुया, बोलो देना है। देने के विषय हम जल्दी से एक वचन को पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे, मरकुस 14 का, और जल्दी से हम तीसरा वचन जल्दी से पढ़ेंगे फिर से। जब वे बेतनिया में शमौन कोड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा,
उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम सब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूँगा। जो कुछ वह कह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारी जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। हालेलुया! कितनों ने ध्यान से सुन लिया इस वचन को? एक दो ने सुन लिया, ठीक है, धन्यवाद। हालेलुया! यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, ध्यान से आप कितने लोग सुनना चाहते हैं। छोटी सी बातें हम बोल के प्रार्थना करेंगे और दो शब्द में छोटी सी बात को समझना है। यहाँ लिखा हुआ, जब बैतनिया में शिमोन नामक एक कोढ़ी था, उस कोढ़ी के घर में यीशु मसीह गए। यीशु मसीह खाना खाने के लिए गए थे कोढ़ी के घर के अंदर। काफी सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे। मैंने जब बाइबल को पढ़ रहा था कल में प्रार्थना के समय, तो मुझे समझ में आया वो चर्च था, क्योंकि यीशु जहां पर है और कुछ लोग भी वहां पर है, हमारे जैसे एक संगति वहां पर चल रहा था। उस बीच में एक लेडीज उसके कमरे के अंदर घुस के आई है। लेडीज ने सीधा अंदर एंट्री मारा और अपने सबसे बहुमूल्य इत्र, बाइबल में लिखा हुआ 300 दिनार का इत्र, यानी कि एक दिनार का मतलब है एक दिन की कमाई, 300 दिनार का मतलब है कम से कम 10 महीने की कमाई, वो लेकर आई है और लेकर आकर यीशु मसीह के ऊपर उड़ेल दिया। अब एक बात सोच के देखो, आप रोटी खा रहे थे, रोटी खाते समय कोई बाहर से आया और आगे कुछ ऊपर से डाल दिया, कैसा लगेगा? तुरंत एक बड़ा अजीब सा लगेगा, कोई आया यार क्या डाल के चले गए मेरे ऊपर, मैं सब लोगों के बीच में बैठा हूँ, सब लोगों के बारे में उसने सोचा भी नहीं। इस लेडीज के बारे में जब मैं पढ़ रहा था कल, मेरे को समझ में आया, इस लेडीज ने कुछ नहीं देखा कितने लोग वहां पर बैठे हैं, यीशु मसीह मेरे बारे में क्या सोचेंगे जब मैं इत्र उनके ऊपर डाल दूंगी, ये अलग अलग बातें। उसने सीधा एक बात सोचा, अपना सबसे बहुमूल्य चीज लेकर आई और यीशु मसीह के ऊपर उंडेल दिया। हालेलुया! जब पवित्र आत्मा ने मेरे को एक बात बोला, आज कलीसिया के अंदर लोग क्या लेकर आते हैं, हालेलुया! कलीसिया के अंदर लोग लेकर आते, प्रभु मेरी प्रॉब्लम है, मेरी ये बातें हैं, मेरे को ये मांगना है, मेरे को ये है और ये, अपनी सारी प्रॉब्लम लेके हम कलीसिया के अंदर आते हैं। कोई भी एक व्यक्ति यीशु मसीह कुछ देने के लिए नहीं आता, सब लोग प्रभु के पास आते, प्रभु कुछ दे दो। हालेलुया! प्रभु आज ये प्रॉब्लम लेकर आए हैं, आज ये प्रॉब्लम लेकर आए, आप कुछ दे दो, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन इस स्त्री के जीवन में एक बात था, वो यीशु से पास कुछ लेने के लिए नहीं, यीशु को अपना सबसे बहुमूल्य चीज देने के लिए आई थी। हालेलुया! पवित्र आत्मा मेरे को एक बात सिखाया है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने जब देखा, सब लोग झिड़कने लग गए, तूने इसको क्यों वेस्ट कर दिया, ये कंगालों को खिला सकते थे। यीशु ने बोला, उसको छोड़ दो, क्योंकि उसने मेरे साथ भलाई की है। आज से पृथ्वी भर के अंदर जहां कहीं भी मेरा सुसमाचार प्रचार किया जाए, इस स्त्री के बारे में भी प्रचार किया जाएगा। हालेलुया! हालेलुया! समझ में आ रहा है क्या आपको? यीशु ने बोला, आज के बाद मेरा जहां सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, उस जगह पे इस स्त्री के बारे में प्रचार किया जाएगा। पवित्र आत्मा ने मेरे को कुछ बातें यहां पर सिखाना शुरू कर दिया। एक बात देखो, हमने देखते हैं पतरस ने, यहुन्ना ने, सब ने चमत्कार किए, चिन्ह किए, लंगड़ों को चलाया, अद्भुत कार्य किए, लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने बोला कि तुम ये सब बातों से खुश ना होना। हालेलुया! कितने लोग ध्यान से सुन रहे इस बात को, ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझ लेना। लूका 10:17 के अंदर लिखा हुआ, चेलों ने आके बोला, प्रभु यीशु मसीह, आज दुष्ट आत्मा हमारे वश में है, शैतान हमारे वश में है, बीमारों को हमने चंगा किया, ये सब बातें। यीशु ने बोला, इन सब बातों से आनंदित ना होना, क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। इस बात से आनंदित होना, यीशु मसीह किसी से आनंदित नहीं हुआ जब लोगों को वो चंगा करके आए, यीशु मसीह चेलों से आनंदित नहीं हुआ जब वो बीमारों को चंगा करके आए, यीशु मसीह चेलों से आनंदित नहीं हुआ जब उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, लेकिन यहाँ पर ये यीशु मसीह इस लेडीज से बहुत आनंदित हो गया। हालेलुया! क्या इसने यहाँ पर चमत्कार किया? क्या इस लेडीज ने क्या किया यहाँ पर? हालेलुया! इसने सबसे बहुमूल्य चीज यीशु मसीह को अपना दे दिया। पवित्र आत्मा ने मेरे को एक बात समझाया कि आज से हम सब लोग सीखना है यीशु मसीह को अपने सबसे उत्तम चीज देने के लिए सीखना है। हम हमेशा यीशु मसीह को सबसे घटिया चीज देने की सोचते या कुछ देने की सोचते ही नहीं है। हालेलुया! लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे को एक बात समझाया, हम यीशु मसीह को सबसे उत्तम देने की जब सोचेंगे, आपसे मैं सच बोल रहा हूं, आप समझ लेना, पवित्र आत्मा ने कल एक बात बोला, अभी तो इस लेडीज का पृथ्वी पर ही प्रचार करने के लिए बोला, यदि आज इस पीढ़ी में कोई व्यक्ति है यीशु मसीह को अपना सबसे उत्तम देने के लिए तैयार है, अपना धन हो सकता है, अपना समय हो सकता है, अपना जीवन हो सकता है, या कुछ और वस्तु हो सकती है,
बाइबल में लिखा, पवित्र आत्मा ने कल बोला इस व्यक्ति का नाम स्वर्ग के अंदर लिखा हुआ है। हालेलुया। और इतना ही नहीं, इसका तो प्रचार स्वर्ग में भी किया जाएगा, पृथ्वी पर तो पृथ्वी पर, स्वर्ग में भी इसका प्रचार किया जाएगा। इस व्यक्ति ने मेरे लिए सबसे बहुमूल्य चीज दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर को अच्छा लगता है कि हम परमेश्वर के लिए अपना उत्तम दे दें। आपको मालूम है यीशु मसीह, मैं बाइबल कल पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने एक बात मेरे को दिखाया, यीशु मसीह क्यों चाहते हैं कि हम उत्तम यीशु को दें। कारण एक ही है, यीशु मसीह ने अपना सबसे उत्तम हमारे लिए दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना जीवन भी हम सबके लिए बलिदान कर दिया। कल मैं प्रार्थना के समय एक दर्शन को क्लियरली मैंने देखा। हालेलुया। मैंने क्या देखा वहां पर, यीशु मसीह को मैंने करीब से देखा। करीब का मतलब यीशु मसीह के मैं बहुत करीब चला गया और करीब से जाकर एक चीज देखा मैंने। यीशु मसीह जब देखे, थोमा ने बोला प्रभु आपके हाथ का छेद में मैं उंगली डालूंगा। यीशु ने आकर दिखाया, ले मेरे हाथ के छेद में उंगली डाल ले। इसका मतलब यीशु मसीह मुर्दों में से उठा तो यीशु के हाथों में छेद था। जब मैंने कल प्रार्थना के समय दर्शन में क्लियर यीशु के निकट जाकर देखा, एक चीज मुझे दिखा। आप विश्वास करें या ना करें, कल प्रार्थना में मुझे एक चीज दिखा, यीशु मसीह के शरीर के ऊपर भी कोड़ों के निशान, यीशु मसीह के माथे के ऊपर कांटों के निशान आज भी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको, यीशु मसीह ने अपना उत्तम दे दिया अनंत काल के लिए। वो दाग, वो छेद, वो कांटों के छेद सब यीशु के ऊपर हमेशा के लिए चले गए। वो सब कुछ सजा आपको और मेरे को मिलना था। यीशु ने कुछ भी ना सोचते हुए अपने देह के ऊपर उन सब पापों को और दर्द को लेकर यीशु क्रूस के ऊपर मर गया। हालेलुया। आपके और मैं यही बताना चाहता हूं, यीशु को उत्तम देना सीखे, अपने जीवन का सबसे बेस्ट परमेश्वर को देना सीखे। हालेलुया। मैंने पिछली बार बताया था, एक छोटा सा बच्चा था, सब लोग इस परमेश्वर के राज्य में कुछ ना कुछ दे रहे थे, कुछ ना कुछ दे रहे थे। उसके मन में आया कि सब लोग परमेश्वर कुछ ना कुछ दे रहे, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने एक काम किया, एक बीच में बहुत बड़ा थाल रखा हुआ था, उसमें सब लोग ऑफरिंग डाल रहे थे। वो जाकर स्टेडियम में उस थाल के अंदर खड़ा हो गया, बोला मेरे पास धन नहीं है देने के लिए, लेकिन मैं अपना पूरा जीवन यीशु मसीह के लिए दे देता हूं। हालेलुया। उसने उत्तम दिया परमेश्वर को, अपने छोटेपन में इस सब बातों को, संसार के अभिलाषों को छोड़कर परमेश्वर के लिए अपना जीवन ही बलिदान कर दिया। हालेलुया। आप समझ लेना, आप भी परमेश्वर के लिए कुछ उत्तम देंगे, परमेश्वर आपके लिए उत्तम करेंगे। आप परमेश्वर घटिया देंगे, परमेश्वर को घटिया देना पड़ेगा। हालेलुया। आप चाहते हैं परमेश्वर मेरे लिए बेस्ट करे, तो आप परमेश्वर के लिए पहले बेस्ट करें। एक वचन बाइबल में कल पढ़ रहा था, ऐसे लिखा हुआ है, कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला मैं कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। मेरे एक बात मन में आया, यीशु ऐसे बोलते रहेंगे हमेशा, परमेश्वर के लोग क्या करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, ठीक है प्रभु आप कभी ना छोड़ना, आप कभी ना त्यागना, हम अपनी मर्जी पर चल रहे। हालेलुया। कल मैंने प्रभु को एक बात बोला, प्रभु इस सेंटेंस को थोड़ा समय अब बदल के बोलते है, अब हम बोलेंगे, बोलो यीशु मसीह हम कभी ना छोड़ेंगे, हम आपको कभी ना त्यागेंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या, सेंटेंस बदल गया। यीशु ने बोला मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। वो तो बेचारे अपना कर रहे परमेश्वर अपना वायदे को पूरा, लेकिन हमारे अंदर यीशु के प्रति प्रेम है तो आप बोल सकते हैं, प्रभु आपने तो बोला ठीक है, लेकिन अब मैं वायदा करता हूं मैं आपको कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। एक गाना भी है, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। जब मैं इस गाने को गाया, मैंने इस गाने को इस रीति से गाया, प्रभु मैं कभी ना छोड़ूंगा, मैं कभी ना आपको त्यागूंगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का हृदय आनंद से भर गया होगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी प्रभु को प्रेम का कुछ प्रमाण दें, हम यीशु को प्रेम करते हैं उसका कुछ प्रकटीकरण करें, जैसे इस लेडीज ने किया, अपना सबसे बहुमूल्य चीज यीशु के ऊपर उंडेल दिया। हालेलुया। हम सब अपनी सबसे बहुमूल्य चीज छुपा कर रखते हैं। हालेलुया। बोलो सबसे उत्तम यीशु को देना है। पड़ोसी को हिलाकर बोलो सबसे उत्तम यीशु को देना है। पड़ोसी को बोलो सबसे बढ़कर यीशु को प्रेम करना है। पड़ोसी को समझा के बोलो यीशु को सबसे बढ़कर प्रेम करना है, बाकी सबको बाद में करना है। हालेलुया। एक बात मैं आपको बता के मैं बैठ जाऊंगा, प्रेम का एक ऑर्डर है जो बाइबल के अंदर से मैंने सीखा। प्रेम का ये ऑर्डर में यदि कोई चलेगा, सचमुच में वो व्यक्ति आशीषित है। आपको मालूम है घर बनाने के लिए एक पहली सीढ़ी, उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, कोई व्यक्ति डायरेक्ट यहां पर नहीं आ सकता। मैंने बाइबल से एक बात सीखा, सबसे पहला जो नीचे है ना ये परमेश्वर है, उसके बाद उसकी फैमिली है, उसके बाद तीसरी सीढ़ी है संसार,
हालेलुया। यदि आप इस ऑर्डर में चलेंगे, सबसे पहले यीशु को प्रेम करें, उसके बाद अपनी फैमिली को प्रेम करें, उसके बाद कलीसिया को और संसार को प्रेम करें, मैं आपको बोलना चाहता हूं आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता, क्योंकि स्वर्ग का यह ऑर्डर है। परमेश्वर ने कहा सबसे बढ़कर मुझे प्रेम कर, उसके बाद अपने पड़ोसी को प्रेम कर। हालेलुया। कुछ लोग यीशु को छोड़ के डायरेक्ट संसार को प्रेम करने के लिए आ जाते। हालेलुया। गड़बड़ हो गया सारा ऑर्डर, गड़बड़ करते, पहली सीढ़ी पे गया नहीं, सीधा तीसरी सीढ़ी पे चढ़ने के लिए कोशिश किया, मुंह केवल कहीं ना कहीं गिरेगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो ऑर्डर में प्रेम करना है, बोलो सबसे पहले यीशु को प्रेम करेंगे, फिर फैमिली में प्रेम करेंगे, फिर बाहर प्रेम करेंगे। कलीसिया में ऐसा होता है, अधिकतर लोग या तो यीशु को प्रेम करते हैं और संसार को, फैमिली को नहीं करते, या तो फैमिली को करते हैं और यीशु को, संसार को नहीं करते, कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। इसी कारण उनके जीवन में परमेश्वर के ऑर्डर का वो आशीष नहीं आ पा रहा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो हम ऑर्डर में चलेंगे, सबसे पहले यीशु को प्यार करेंगे, फिर फैमिली में प्यार करेंगे, फिर पड़ोसियों को प्यार करेंगे। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, आप करके देखेंगे आपके जीवन में कभी दुख नाम की चीज क्या होती है आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। परेशानी, टेंशन, ये सबको आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। परमेश्वर के प्रेम में सबसे बड़ी सामर्थ्य है। हालेलुया। बोलो मेरा यीशु प्रेम है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो मेरा यीशु प्रेम है। हालेलुया। यदि प्रेम आपके अंदर आ गया, इस ऑर्डर के अंदर, समझ लो आपका जीवन आशीषित हो गया। हालेलुया। तो कितने लोग सीख गए कि मैं यीशु को उत्तम दूंगा। ठीक है, परमेश्वर देख रहे। यदि आप परमेश्वर के लिए आज उत्तम देने के लिए तैयार है, कुछ भी हो सकता है, परमेश्वर आपके लिए बेस्ट करने के लिए तैयार है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें।